हे एवरीवन, कैसे सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और हम लोग आपको जेकेपी ऐसे की तैयारी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैटर की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैंने कल मैटर की कल आई थिंक एक दिन पहले मैंने मैटर की क्लास फर्स्ट अपलोड की थी, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस हम पढ़ रहे हैं। तो गाइज, क्लासेस कौन सी पुरानी है कौन सी नहीं है, जिसने पढ़ा है वो भी पढ़िए, आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी मिलेंगे। जो हमें लगेगा कि नया होगा, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हमें बाकी भी खत्म करना है, और ये इस लेवल का हमने पढ़ाया है जो कि स्टेट पीसीएस तक लेवल की आपको साइंस पढ़ाई हुई है। और इसमें कौन सी क्लास पुरानी है नहीं है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको हमने जो भी कंटेंट डिलीवर करना है वो कंटेंट ऐसा होगा जो आपके सिलेक्शन के लिए होगा। तो आपको इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि हम क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ जरूर देखनी है कि लेवल क्या है। ठीक है, ये लेवल आपको चेक करना है। तो ये मैटर की क्लास नंबर 2 है, तो इसके आई थिंक 5-6 लेक्चर आ जाएंगे, और प्लस एमसीक्यू इंक्लूड करेंगे तो 6-7 लेक्चर में खत्म होगा। तो ये क्लास है, आपको ध्यान से पढ़ना है, साथ साथ नोट डाउन करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आई होप कि पहली क्लास आपने देखी होगी। और आप कमेंट सेशन में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या जेकेपी एसआई का आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको पढ़ने के बाद धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गैस में मैंने बताया था, यहाँ पे सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे जो इसके एटम्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो काफ़ी पास पास होंगे, मतलब बीच में स्पेस नहीं होगा, इसलिए आप सॉलिड में से हाथ को पार नहीं कर सकते। ठीक है, सो इफ़ यू टॉक अबाउट लिक्विड, तो उसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होंगे, एंड अगर हम गैस की तरफ देखें तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। तो इसके बेस पे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड की जो मेन प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड कैसा होता है, जिसकी अपनी एक डेफिनेट शेप होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती और इसकी भी नो शेप। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स नहीं होता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, कंप्रेसिबिलिटी, क्या बताया था मैंने आपको, इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड की और इसकी गैस की, मीन्स कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इस पर प्रेशर से दबा सकते हैं, किसको, गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को उससे भी कम और सॉलिड को बिल्कुल कम। देखो सॉलिड ये चीज़ है ना, तो इसको कंप्रेस करना काफ़ी मुश्किल है, ये टूट जाएगा, कंप्रेस नहीं होगा आसानी से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतनी पास पास है कि और ज़्यादा पास लेने की कोशिश करोगे वो टूट जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बताया कि मैंने लास्ट में क्या पढ़ाया था, तो आज की क्लास में मैं इसकी आगे कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का नाम ही यही था कि बेसिक, आपको सॉलिड लिक्विड गैस का बेसिक करना है। ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक करना है, चैप्टर का नाम ही यही था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, चलिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न से आप क्या समझते हो? देखो डिफ्यूज़न क्या होता है, कोई भी चीज़ का किसी में मिल जाना, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न होना। सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न गैस का होता है। आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा जब आप कोई भी, मतलब मान लो अगरबत्ती वगैरह यूज़ करते हो, तो उसकी खुशबू आप तक कैसे पहुँचाती है? तो आंसर होगा सर, ड्यू टू डिफ्यूज़न। क्यों डिफ्यूज़न की वजह से? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो आपकी एयर में बहुत जल्दी आसानी से मिल जाते हैं, और मिलने की वजह से एयर आप तक आ रही है, तो वो एयर के थ्रू आप तक आते हैं और आप उसकी स्मेल वगैरह को फील कर पाते हो। तो उसका मेन रीज़न क्या है? डिफ्यूज़न इसका मेन रीज़न है। तो डिफ्यूज़न की बात करें, यहाँ पर देखिए हम एक ही एग्ज़ाम्पल से हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कंसेप्चुअल चीज़ को समझ लिया तो कभी उसको नहीं भूलोगे। तो ये थी हमारी सॉलिड। ठीक है, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, हमें सीखना चीज़ों को, क्योंकि आज तक आप पढ़ते ही आ रहे हो, सीखा कभी नहीं है, तो इसलिए चीज़ों को भूल जाते हो। तो चीज़ों को जब सीखने की कोशिश करोगे देन आप उसको नहीं भूलोगे। ठीक है, कंसेप्ट यही रहता है, इसी के बेस पे हर एक चीज़ में आपको
समझा दूंगा जो आपको आगे नहीं भूलोगे, आप इसको इजीली याद कर पाओगे कॉन्सेप्ट के थ्रू। मैंने बोला कि डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। क्यों होता है? सिंपल सा लॉजिक है सर, इसके बीच में फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा है। क्या है? इसके बीच में, गैस के बीच में फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी चीज़ में आसानी से मिल सकती है, तो इसका डिफ्यूज़न इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो अपने हिसाब से हिंदी में लिख लेना, डिफ्यूज़न का मतलब होता है कोई भी चीज़ का किसी चीज़ में मिक्स होना। चाहे ऐसे लिख लो, when some things mixed in other things, तो इसको आप बोलोगे डिफ्यूजन होना। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। तो अगर मैं इसको इसके रेंज के अकॉर्डिंग लगा दूँ तो मैं बोलूँगा तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में होता है, और उससे कम डिफ्यूज़न होता है आपका लिक्विड में। एग्ज़ाम में ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है। तो समझ आया ऐसा क्यों होता है? कोई आपको पूछे कि सर सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूज़न क्यों होता है, देन आप उसको आंसर करोगे कि सर उसके जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स या जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी क्लोज हैं, जिसकी वजह से बीच में स्पेस नहीं है, सो कोई भी चीज़ उसमें मिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी चीज़ उसमें मिक्स नहीं हो सकती, तो कोई भी चीज़ उसमें इजीली मिक्स नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें फ्री स्पेस नहीं है। तो इसके लिए आप बोलोगे सर गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है। राइट, यहाँ तक आई होप कि कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, ये वाली प्रॉपर्टी भी आप समझ पाए हो। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ पाए हो कि सॉलिड लिक्विड गैस की जो डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, गैस में सबसे ज़्यादा क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की, वो लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डैट, इसकी मैं एक आपको रियल एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे आप देखते हो पानी के अंदर ऑक्सीजन का मिलना, तभी तो आपकी जो फिश वगैरह होती हैं, जो भी, ठीक है, एक्वेटिक, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स या कुछ भी होता है, वो कैसे सांस ले पाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली होती है। किसकी वजह से? डिफ्यूज़न की वजह से, क्योंकि पानी के अंदर भी तो थोड़ी स्पेस होती है। ठीक है, इसे फिश लिख सकते हो, फ्रॉग लिख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर सांस लेती हैं। एक और रियल एग्जांपल बताओ, एक और रियल एग्जांपल बताओ डिफ्यूज़न का। तो आप बोल सकते हो एयर के अंदर ऑक्सीजन का मिलना, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है तभी तो आप इनहेल करते हो, तभी तो ऑक्सीजन अंदर लेते हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जाके ब्लड में मिलता है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और आपके सेल सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी आपका डिफ्यूज़न का एग्जांपल है। सो होपफुली डिफ्यूज़न आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूज़न क्या होता है। सबसे पहले आप बोलोगे डिफ्यूज़न सर कोई भी चीज़ का किसी चीज़ में मिक्स हो जाना, उसी को मैं डिफ्यूज़न बोल सकता हूँ अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो। पूछेगा एग्ज़ाम में कि बताइए इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिफ्यूज़न सबसे कम होता है। अब बच्चे को डिफ्यूज़न समझ ही नहीं होता है, वो उसको मतलब याद करके बैठा होता है डिफ्यूज़न की डेफिनेशन ये है, इसका सबसे ज़्यादा क्यों ज़्यादा कम, अगर ये पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाओगे। अब आप मुझे नहीं लगता अगर आपने ये मेरी बातें समझी होंगी, ये डायग्राम वाली, तो आप एक भी प्रॉपर्टी में गलती करोगे। देखो मैं इसी प्रॉपर्टी से मैं सारी प्रॉपर्टी बना के बता दूंगा जो आपको भूलेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी, काइनेटिक एनर्जी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, आई थिंक फोर्थ नंबर है। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखनी तो लिख लेना, शेप के बारे में, फिर मैंने वॉल्यूम के बारे में बताया, फिर मैंने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, देन मैं आपको डिफ्यूज़न के बारे में बता रहा हूँ, एंड देन फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर हम बात करें डेट इज़ काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी, बेसिक लेक्चर में इसको बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एम स्टैंड्स फॉर मास एंड बी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, एम स्टैंड फॉर मास एंड बी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। सो मास तो आपको पता है कि मास क्या होता है सर, मास तो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मास क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब कहीं भी चले जाओ मास कभी चेंज नहीं होता है।
ये पेन का जितना मास दिख रहा है ये इतना ही रहेगा, चाहे इसको आप चांद पे लेके चले जाओ चाहे मार्स पे लेके चले जाओ, ये इतना ही रहेगा। हाँ, इसका वेट कम ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, और मास जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है? तो अगर मास कांस्टेंट है, इट मींस कि मैं सॉलिड लिक्विड गैस अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मुझे मास से कोई लेना देना नहीं है। चाहे गैस आप 10 kg ले लो, गैस की क्वांटिटी ज़्यादा ले लो वॉल्यूम के हिसाब से, सॉलिड कम ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से। एनर्जी विच इज़ प्रोसेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन, जो भी एनर्जी मोशन की वजह से आएगी वो काइनेटिक होगी, जो पोजीशन की वजह से आएगी वो पोटेंशियल होगी। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं बेसिक लेक्चर्स में, मेरे पहले बेसिक लेक्चर देखना। तो काइनेटिक एनर्जी हम बनाएंगे इसी के बेस के ऊपर दोबारा से। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ। चलिए मैं एक बार फिर से छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकली सीख रहे हैं तो प्रैक्टिकल ही करके बताऊँगा। अगेन इसमें मैंने अलग अलग पार्टिकल्स रख दिए जो कि काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के। देर आर नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉलिड सॉरी एंड लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में स्पेस रखना है हमें, सो हम लिक्विड को ऐसे बनाएंगे, ठीक है? ये होगा आपका लिक्विड एंड दिस विल बी गैसेस। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें सर, सबसे ज़्यादा किस में होगा? देखो इनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में स्पेस है, तो स्पेस की वजह से देखो हमेशा और हमेशा पार्टिकल्स हमेशा किस में रहते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज इन मोशन होते हैं, वो हमेशा किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं। ये मोशन में क्यों होते हैं? ये हीट एनर्जी की वजह में होते हैं, ये थोड़ा सा आप अभी समझ जाओगे कॉन्सेप्ट। तो पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं, पार्टिकल हमेशा मोशन में होते हैं, और जिसका मोशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखिए इसमें अगर स्पेस ज़्यादा है तो इसका मोशन भी तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूर तक फास्ट फास्ट चलेगा ये। जिसके बीच में स्पेस ही नहीं है उसके बीच में मोशन भी तो ना के बराबर होगा। जिसके बीच में स्पेस ही नहीं है, इनके एटम्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो गाइस मोशन भी इसमें बहुत कम होगा, मोशन भी इसमें बहुत कम होगा। तो अगर हम इसके आधार पे देखें तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो गैस की काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन लिक्विड एंड विच इज़ इक्वल टू विच इज़ ग्रेटर देन सॉलिड। तो ये है आपके काइनेटिक एनर्जी का चार्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझा पाऊँ। अब एक देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर एक बात बताइए, गैस में कोई चीज़ डिफ्यूज़न बड़ी जल्दी हो जाता है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है, पानी में भी आप सॉलिड चीनी वगैरह को घोल दोगे तो अच्छे से वो मिक्स हो जाएगी, है ना? बट सॉलिड में ऐसा क्या है कि नहीं हो पाती हैं? देखो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम बात करें गैस की, अगर हम बात करें गैस की तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। जब इसमें कोई चीज़ डालोगे, इसमें कोई चीज़ ऐड ऑन करोगे, इफ़ यू पुट समथिंग इन साइड द गैस देन इसके बीच में स्पेस इतनी है कि वो इसके बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है बहुत जल्दी, वो बहुत जल्दी इसके बीच में एडजस्ट हो जाएगी। अगर हम लिक्विड की बात करें, देखो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने क्या किया, चीनी ऐड करी किसमें? पानी के अंदर, ठीक है? किसके अंदर? पानी के अंदर। अब होगा क्या? देखो होगा क्या, तो होगा क्या देखो, जैसे ही आपने यहाँ पे शुगर डाली तो ये शुगर के दाने होते हैं छोटे छोटे जो उसके दाने हैं, वो क्या होगा, वो पानी के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, और इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। मोशन जब भी होता है कोई चीज़ की काइनेटिक एनर्जी होती है तो आपस में रगड़ लगने से चीज़ गर्म होती है हमेशा,
और ऐसा ही होता है जब आप चीनी पानी में डाल के उसको हिलाते हो। आप हिलाने का मतलब क्या है, आप इसको स्टिर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपकी जो सॉलिड शुगर थी वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो रही है। एक चीज़ नोटिस करना, जब आप एक शीशे के ग्लास में पानी लेना, उसमें शुगर डालना, आप देखोगे कि जितनी मैंने शुगर डाली स्टार्टिंग में तो पानी का लेवल बढ़ेगा, बट जैसे ही मैं शुगर को क्या करूँगा, स्टिर करके अच्छे से बीच में मिक्स कर दूँगा, देन आफ्टर डैट आप देखोगे कि पानी का लेवल सेम हो गया फिर से। क्यों सेम हुआ? क्योंकि पानी के बीच में ऑलरेडी स्पेस था, ऑलरेडी स्पेस था। उस स्पेस में वो जो चीनी डाली थी वो कहीं ना कहीं मिक्स होगी, जिसकी वजह से पानी का लेवल राइज नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही वो रीज़न होता है कि आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में चीनी को पानी के अंदर घोल सकते हो। अगर आप चीनी डालते जाओगे, 1 गिलास पानी में 1 किलो चीनी डाल दो तो सारी चीनी नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि जो पानी के बीच का स्पेस था, जितने एटम्स बीच में मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं तो उतने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो गया तब फिर से वो पूरा पूरा सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद चीनी नहीं घुलेगी पानी में। तो बेसिकली अपने आप चीनी घुल जाती है, लेकिन टाइम लगता है। तो आप उसको हिलाते क्यों हो? क्यों? क्योंकि आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। आप चीज़ को गर्म करो, गर्म करोगे तो बहुत जल्दी घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होती है। देखो, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल की चीज़ें होती हैं। अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो चीज़ें ऐसे ही पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को बुक से रट लोगे, जैसे टीचर आते हैं सामने स्लाइड लगा के पढ़ा के चले जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, 4 दिन के बाद भूल जाओगे। और हम लोग साइंस पढ़ाने का हमारा मोटिव भी यही है कि एक आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा भी इसको समझ पाए। क्यों? क्योंकि 10th के नीचे लेवल की साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। तो सॉलिड में चीज़ें क्यों नहीं घुलती? ये पेन है, पेन के ऊपर चीनी रख दो, चीनी वहीं पे रहेगी, नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है कि कोई चीज़ उसके अंदर जा पाए। और लिक्विड में जब डालते हो उसमें स्पेस होती है, इजिली घुल जाती है। समझ आई बात की? तो इजिली घुल जाती है। तो मुझे पता चला कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से क्या होगा, चीज़ें इजिली डिजॉल्व हो जाएंगी। तो गैस का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड का एज़ कम्पेयर टू सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पहली क्लासेस में देखिए, जब मैंने आपको बेसिक यूनिट करवाया था पहले वाला, ठीक है? तो ये है आपका, बस आपको ये याद रखना होता है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है। अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पूछे तो मेन कॉन्सेप्ट यहीं से निकलेंगे सारे, जिसके पार्टिकल पास पास दूर दूर, उसी से सारे कॉन्सेप्ट निकलेंगे। सो आई होप काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाए हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की एक प्रॉपर्टी और लिखो, देन मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा एक साथ, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 6 था, 5th था, जो भी था, चलो लिख लेना। आगे लिखिए 7th प्रॉपर्टी, डैट इज डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी क्या होता है, बेसिक क्लास देखो समझ जाएगा डेंसिटी क्या होता है। फिर से बता देता हूँ, डेंसिटी होता क्या है। जैसे आप देखते हो ना, पॉपुलेशन की डेंसिटी निकलती है कि किस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो कैसे निकलता है, वो होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे पानी को बॉटल के अंदर डालोगे, जो पानी का लेवल, जहाँ तक पानी है, जितना जितना पानी दिख रहा है वो सारा उसका वॉल्यूम है, सारा उसका वॉल्यूम है। अब यहाँ पे मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मान लीजिए आपकी सिटी है जम्मू, ठीक है? मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं खाली, एक सिटी है आपकी श्रीनगर, ठीक है? अब इसके हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी तो निकलती है आपको पता होगा। तो वो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 1000 से 10000 स्क्वायर एक्ट्रा की जमीन है, ठीक है, जगह है। 1000 के अंदर पॉपुलेशन भी कितनी है, 1000 की, सॉरी 10000, तो 10000 की। इसका मतलब एक स्क्वायर हेक्टर में एक बंदी की स्पेस है, इतनी इसकी डेंसिटी है। मतलब जो इसका वॉल्यूम एक है, वहाँ पे मास कितना, एक है, इतनी इसकी डेंसिटी है। अगर मैं श्रीनगर की बात करूँ तो यहाँ पे भी मान लो 10000 हेक्टर ही ज़मीन है, और यहाँ की पॉपुलेशन मान लो कितनी है, 5000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्क्वायर एरिया में, और इसकी वॉल्यूम की बात करें
इतने वॉल्यूम में सिर्फ एक बंदा इसको कवर कर रहा है, सिर्फ एक बंदा इसको कवर कर रहा है। तो ज़्यादा डेंसिटी का मतलब होता है जहाँ पे कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ ये सारी बात। अब इसी के आधार पे हम बनाएंगे एक बार फिर से, देखो घूम फिर के हम एक ही डायग्राम पे बार बार आएंगे। ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूँ अभी वो डायग्राम, अब ऐसे बताता हूँ। मैंने आपको बताया जितनी कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो मुझे बताइए सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी कि लिक्विड की? समझ आई क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं, इतनी सी जगह में ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए, इसलिए तो उसका मास भी ज़्यादा, उसका वेट भी ज़्यादा होता है। आप एक बर्तन में एक लोहे की चीज़ डाल दो, दूसरे बर्तन में आप पानी डाल दो, और तीसरे उतने ही बर्तन में आप गैस डाल दो, आप देखेंगे कि जो सॉलिड चीज़ है उसका वेट ज़्यादा हो गया उसी बर्तन में। पानी आपको ज़्यादा चाहिए, देखो 1 लीटर पानी के लिए आपको इतना पानी चाहिए होता है, इतनी वाटर, 1 लीटर या 1 किलोग्राम लोहा लेना तो इतना सा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स वो ज़्यादा पास पास हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर हम डेंसिटी कंसेप्ट की बात करें तो हम बोलेंगे डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा होगी, उससे कम लिक्विड, देन उसके बाद गैस। तो ये कंसेप्ट भी हो गया आपका। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इसको लिखते जाओ, मैंने पढ़ा दिए सारे। सबसे पहले मैं बात करूँ, पहले दिन वाला मैंने रिवाइज़ कर दिया कि सॉलिड की शेप होती है एक फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। चलो सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आप बोलोगे सर गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की, एक हो गया। उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा, अभी अभी पढ़ा जस्ट, चलिए इसके बारे में लिख देते हैं। डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। अगर हम तीसरे नंबर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़्यादा चीज़ें कैसे भागेंगी? गैप ज़्यादा होगा तो इसका मतलब गैस पहले नंबर आएगा, फिर लिक्विड आएगा, फिर सॉलिड आएगा। इसके बाद हम बात करें इसकी, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट लिखिए इंटर पार्टिकल, नया पॉइंट है ये, इंटर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। जो जिस चीज़ से चीज़ बनी है, सॉलिड लिक्विड गैस जिस भी पार्टिकल से बना है, उसके बीच का डिस्टेंस, तो आप बोलोगे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा गैस में, देन लिक्विड, देन सॉलिड। भाई जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में तो गैप ही नहीं होता, मतलब जो इंटर पार्टिकल जिससे बना उसके बीच का डिस्टेंस सबसे कम किस में है? सॉलिड में, सबसे ज़्यादा गैस में। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से देखना, यहां पे इंटर इंटर पार्टिकल फोर्स, और किस पार्टिकल के बीच में फोर्स ज्यादा लगी हुई है? जितनी पास पास है वही तो आपस में फोर्स ज्यादा लगा रहे होंगे, दूरी बढ़ती जाएगी फोर्स कम होती है। तो फोर्स के हिसाब से सॉलिड लिक्विड गैस, तो जो सॉलिड के इंटर पार्टिकल्स हैं उसके बीच में फोर्स ज़्यादा, तभी तो आपस में एक दूसरे को जकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सिक्स नंबर पे लिखिए, सिक्स नंबर पे लिखिए डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? मिक्स होना। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किस में होता है? गैस में, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में। मतलब आपने देखा कि सिर्फ एक ही था सॉलिड लिक्विड गैस एक डेंसिटी के मामले में, और दूसरा यहाँ पे था इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हो, तो इसमें यहाँ पे, बाकी सब में गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड का कंसेप्ट चलेगा। अगर मैं इसके साथ ही बात करूँ, बताइए मुझे मास के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? मास में सॉलिड का मास क्या होता है? सॉलिड लिक्विड सब में क्या है? कॉन्स्टेंट होता है, सब में क्या ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, आप बोलोगे सॉलिड में क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड में क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर हम बात करें गैस में, तो यहाँ पे क्या होगा? नो फिक्स्ड। ठीक है, ये हो गया।
यहाँ तक अभी तक मैंने यही पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिक से मतलब उसकी प्रॉपर्टी से ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे उसकी चेंजेस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो आप वैसे भी मेटल नॉन मेटल में पढ़ चुके हो, बाकी मैं चेंजेस बताता हूँ कि सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे कैसे चेंजेस होता है, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो चलो फिलहाल फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको, हम नेक्स्ट क्लास में प्लस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। अभी भी इसकी दो क्लासेस, तीन और आएंगी, देन इसका एक क्वेश्चन पैटर्न भी आपको मिलेगा जिसके आपको समझ आएगा कि सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा दो क्लासेस में, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और आप क्वेश्चन इसके बेस पे आएगा तो क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज़ द पावर, कॉन्सेप्ट ही पावर है, और एग्ज़ाम क्रैक भी कॉन्सेप्ट से होगा। रट्टा मारने से, बुक्के पढ़ने से क्वेश्चन पेपर में नहीं निकलेगा, चीज़ों को समझ के करोगे, लंबे समय तक याद रहेगा, और एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।